लक्ष्मी गणेश मूर्ति विसर्जन के अवसर पर सोमवार की सुबह से मंगलवार को मूर्ति विसर्जन समाप्ति तक महानगर क्षेत्र में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला द्वारा वाहनों का डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को सोमवार को सुबह 8 बजे से लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक सहजनवा बाईपास 0 पॉइंट से ही डायवर्जन किए गए हैं। ये वाहन बागागाड़ा रामनगर कड़जहाँ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बड़लगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले वाहनों को बेलीपार क्षेत्र बागागाड़ा स्थित 4 लेन पर डायवर्जन किया गया है। ये वाहन रामनगर कड़जहाँ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अमर उजाला तिराहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज एवं प्राइवेट बसों को अमर उजाला तिराहा से डाइवर्ट किया गया है। ये वाहन देवरिया बाईपास से रामनगर कड़जहाँ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर 4 पहिया वाहन भी डाइवर्ट किए जाएंगे। नौसड़ चौराहा से टीपी नगर चौराहे की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। ये वाहन बागागाड़ा रामनगर कड़जहाँ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। वहीं सभी प्रकार के राजकीय वाहन एवं प्राइवेट वाहन आदि सीएस चौराहा महदीपुर चौराहा होते हुए चार फाटक ओवरब्रिज से कौवा बाग बाईपास मार्ग से पादरी बाजार चौराहा फातिमा अस्पताल खजांची चौराहा होते हुए भगवानपुर के रास्ते बरगदवा चौराहे होकर फरिंदा सरौली की तरफ जाएंगे। रोडवेज एवं एम्बुलेंस जैसे वाहनों को आने जाने दिया जाएगा। वहीं फरिंदा पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर झुंगया होते हुए खजांची चौराहा से फातिमा अस्पताल पादरी बाजार चौकी बाईपास मार्ग से चार फाटक ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया एवं कुशीनगर की ओर जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही शहर के कई हिस्सों में यातायात व्यवस्था प्रतिबंधित की गई है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, तो एक चद्दर सम कह के बालू न हो तो मैं डलवा दे। हाँ तो आज ये तो डलवा के चद्दर न लगवाई है तो वो दिन कैसे करा दी। अभी मूर्ति नहीं ना आई क्या आई? आज नहीं आएंगे लेकिन कल आएंगे। लेकिन एकदम बनवा दे बढ़िया से फर्स्ट क्लास का। और ओदा पानी मतलब ना आई कि चद्दर आधा कम हो गया। अरे आप बता दीजिए कि इसको सब आए थे पानी निकाल दिया जाता कल व्यवस्थाएं इस तरह से दी गई हुई हैं कि प्रतिमा विसर्जन में किसी तरह की दिक्कत नागरिकों को ना हो। चूँकि प्रतिमा विसर्जन 8 बजे से शुरू हो जाएगा सुबह, तो हमने 8 बजे से ही डायवर्जन किया है और जब तक विसर्जन पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये डायवर्जन चलता रहेगा। इसमें हाईवे पर जो वाहन नौसड़ की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए अमर उजाला की तरफ से डाइवर्ट किया गया है, और जो नौसड़ की तरफ से अंदर आना चाह रहे हैं उनको भी नौसड़ से ही बाईपास की तरफ डाइवर्ट करके फिर अमर उजाला की तरफ या आगे देवरिया बाईपास की तरफ से शहर के अंदर आने के लिए डाइवर्जन किया गया है। और ये डाइवर्जन अनवरत चलता रहेगा। जिस तरह से हम लोग देखेंगे मूर्तियाँ रोड पर आ रही हैं जा रही हैं उस हिसाब से हम इसमें कमी बेसी करते रहेंगे। अगर रास्ता साफ हो जाएगा तो उतने टाइम तक हम अलाउ करेंगे, और अगर विसर्जन लगातार चलता रहेगा तो डाइवर्जन इसी तरह से चलता रहेगा। सर कल सोमवार है, इसको देखो सोमवार ही जाम भी लगा करते हैं और कल मूर्तियाँ भी निकलेंगी, इस दौरान किस तरह से निपटेंगे आप? हम बहुत ढंग से अपनी व्यवस्थाओं को किए हुए हैं और इसको प्लान किया हुआ है। कोई जाम की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। 2 दिन बाद मार्केट खुल रही है तो उसमें भीड़ भाड़ हो सकती है, तो इसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है और इस तरह से व्यवस्थाएं की हैं कि जाम नहीं लगेगा।